नमस्कार दोस्तों, नया सीके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्रूफ के साथ मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं कि ओला मनी पर जो हमने लास्ट वीडियो में केवाईसी को किया था और मैंने आपको बताया था कि हमारे घर पर एक एजेंट आएगा जो कि हमारी वेरिफिकेशन करेगा, जहां पर ओटीपी मिलेगा हमें, वो हमें इसे बताना पड़ेगा, तभी आपका सक्सेसफुली डन हो पाएगा। जैसे कि मैंने ओटीपी इन्हें बता दिया था और मेरे को एक मैसेज मिला था जिसमें ओटीपी लिखा था, वो ओटीपी बताना पड़ता है। और साथ ही साथ मैं आपको ओला एप्लीकेशन पर भी ले चलूँगा, जहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि वहाँ पर किस तरीके से पहले कौन से ऑप्शन हमारे जो हाइट थे वो इनेबल हो चुके हैं, तो वो सभी चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको मैसेज में दिखा देता हूँ, मैसेज देखिए कि ये हमारा यूअर केवाईसी, और मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए केवाईसी पिन के लिए ओला की तरफ से एक मैसेज आया जो कि 3 और 3 6 डिजिट का ये ओटीपी पिन था जो कि हमें एजेंट को बताना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सुबह ये आया था टुडे 4:07 पे मैसेज। उसके बाद हम चलते हैं ओला एप्लीकेशन पर, यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ओला मनी देखिए अभी फ्रेंड्स केवाईसी पेंडिंग में लिखा है, जबकि हमने ओटीपी भी बता दिया है और हमारे ऑप्शन जो पहले डिजेबल थे, इनेबल नहीं थे, ये वाले ये भी इनेबल हो चुके हैं। और यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हम ऐड मनी पे क्लिक कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने नज़र आएगा, यूअर ओला मनी वॉलेट इज़ डीएक्टिवेटेड, तो यहाँ पे लिखा है रीएक्टिवेट, तो हम रीएक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। चलिए रीएक्टिवेट पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ग्रेट फिनिशिंग अप फ्यू लास्ट वेरिफिकेशन, हमारी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, 1-2 दिन इसमें लगेगा हमारा ये सब दोबारा से रीएक्टिवेट होने में। तो फ्रेंड्स आप लोग, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ये किस तरीके से रीएक्टिवेट होने वाला है। केवाईसी अभी फ़िलहाल में पेंडिंग लिखा आ रहा है, लेकिन वो भी हट जाएगा, और जिस दिन ये हट गया तो उसी दिन मैं आपको वीडियो में प्रूफ के साथ दोबारा से दिखा भी दूंगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन केवाईसी करवानी है, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा से आपको कमेंट में बताने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें।